यूपी के देवरिया पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब व दर्जनों अवैध भट्टियों को नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जनपद के बॉर्डर पर हेतिमपुर के पास अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने इस पर व्यापक स्तर पर छापेमारी की और भट्टियों को नष्ट करने के साथ 80 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया। आगामी होली त्योहार के दृष्टिगत इस सूचना पर कि देवरिया और कुशीनगर के बॉर्डर पर हेतिमपुर हाईवे के पास गंडक नदी के किनारों पर अज्ञात स्थानों पर अवैध शराब का निष्कर्षण हो रहा है, इस पर आज आबकारी विभाग की टीम तथा जनपद देवरिया की टीम क्षेत्राधिकारी नगर एसओ मऊवाडी चौकी इंचार्ज हेतिमपुर और उनके साथ भारी पुलिस बल भोर में ही भेज करके वहां सघन कॉम्बिंग और तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 20 भट्टियों को नष्ट किया गया।